हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम आपको पुनारा घाट दिखाने वाले हैं। तो एक्चुअली गाइस, अभी हम कॉलेज आए थे तो ट्रेन काफ़ी लेट है, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग शूट करते हैं पुनारा घाट पे। तो गाइस, अब इस वीडियो में कंटिन्यू रहना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करना ताकि आने वाले सही ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले। ऐतिहासिक पवित्र धरती है तो सारा चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको गंगा जी दिखा देते हैं। और यहाँ अभी हम गंगा के किनारे आ गए हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे गंगा के किनारे। देखो गाइस, काफ़ी गाइस पानी अभी है, देख सकते हो पीछे। और गाइस, सारा चीज़ कोन्हाड़ा नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि गाइस यहाँ विष्णु का अवतार है, विष्णु जी आए थे गज और ग्रह। तो काफ़ी दिनों से उनका यूज चलता रहा, तो एक साधु ने श्राप दिया, एक ग्रह और एक हाथी बन गए। तो गाइस जी, गंगा जी में हाथी जब डूब रहा था तो उनके सूर में एक कमल का फूल है और विष्णु जी आए। तो ये ऐसे ही कुछ करके इतिहास था, तो इस जगह का नाम कुन्हारा पड़ गया। चलो इससे ऊपर थे और मंदिर ऊपर है, दिखाते हैं आपको। सब काफ़ी बड़ा गंगा जी है, देख सकते हो। गाइस उधर जो ब्रिज दिख रहा है वो सोनपुर की तरफ जाता है और काफ़ी फेमस मेला उधर लगता है, आप जाके देख सकते हो, बट अभी लगा नहीं है। सो गाइस, काफ़ी पुराना मंदिर दिख रहा है, देख सकते हो। और काफ़ी पुराना है, पत्थर का जो बना हुआ है। सुबह जो ऊपर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और काफ़ी बड़ा बड़ा मंदिर है। तो चलो उधर देखते हैं मंदिर। ये जो आप देख रहे हो सीन, ये बहुत पुराना है। तो गाइस, एक नेपाली मंदिर करके जैसा एक भी है, तो थोड़ा आपको थोड़ा क्लिप दिखा देते हैं कैसा है। काफ़ी पुराना है गाइस, और तो चलो दिखा दो। मंदिर है पूरा गाइस से बना है, काफ़ी गाइस पुराना देखने में लगता है। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा भगवान है। तो गाइस देख सकते, ये कुछ बनाया गया है मंदिर टाइप का है, देखो। और लकड़ी का ही है गाइस, लेकिन बहुत पुराना, टूटा भी है। और गाइस अभी टूट रहा है, छोटा छोटा ईंटा का जो है टुकड़ा से बनाया गया था, बहुत पुराना है। और गाइस इधर भी लकड़ी में कोई भगवान रहते हैं, देखो। काफ़ी मस्त बनाया गया है। यहाँ विष्णु जी का आगमन हुआ था। और गाइस एक और बात, यहाँ राम भगवान यहाँ से स्नान करके गए थे, इसलिए ये फेमस है, वो वनवास। यहाँ वो हिस्ट्री थोड़ा बताया था, तो उसमें सिर्फ विष्णु जी का भी इसमें अहम रोल है। तो गाइस दिखाते हैं अंदर का क्या पार्ट है। एंड गाइस अभी जा रहे हैं दूसरे जगह, क्योंकि पास में ही पड़ता है मंदिर का, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कौन सा भगवान का पूजा होता है। और पास में कुछ गेट लगाया गया है, देख सकते हो, आपको थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो चलो बैक कैमरा से दिखाते हैं। है देख सकते हो, विशालनाथ अस्पताल ऐसे करके लिखा गया, काफ़ी बड़ा है, तो चलो दिखाते हैं। और सो गाइस, ये कुन्हारा घाट में ही मंदिर पड़ता है, श्री विशालनाथ महादेव मंदिर, चलो दिखाते हैं। भगवान शिव जी का पूजा होता है। जो राम भगवान थे यहाँ से, जो स्नान करके जो गए थे, वो कौन सा जगह गए थे, तो वो भी वीडियो आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, बट नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो गया, तो अभी हमको ट्रेन पकड़ना होगा। तो बस इसमें और कोई पार्ट देखने को बचा है तो वो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा ही दूंगा। देखो ये थोड़ा मूर्ति पुराना है, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाई देता हूँ कौन सा मूर्ति। और देखो गाइस, इन्हीं से कुछ कुन्हारा घाट का संबंध जुड़ा है, शिवलिंग और गजानन ऐसे हाथ भी बोल सकते हो। तो गाइस काफ़ी बड़ा है, और उधर देखते हैं इसका तो बहुत बड़ा है, इससे तो वो भी बताएंगे। और इधर मंदिर भी लगता है थोड़ा, हट के उधर लाश देखते हैं। और इधर है जो स्नान, मतलब लोग नहीं आ रहे, देख सकते हैं इधर स्नान करने का बहुत अच्छा सीढ़ी बनाया गया, काफ़ी लंबा है। तो गाइस आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा,
आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, छोटा सा कमेंट करना। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।